एसकेपी 7 न्यूज बार। नए साल के जश्न के पहले शराब कारोबारी के घर से पकड़ी गई 16 कार्टून अंग्रेजी शराब। शराबबंदी पर जब से बिहार के मुखिया की नज़र टेढ़ी हुई है, तब से पूरा महकमान शराबबंदी को शत प्रतिशत लागू कराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका अच्छा खासा परिणाम भी सामने दिख रहा है। बीती रात भी बाढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के करेलिया महला स्थित एक अर्ध निर्मित मकान में दस्तक दी, जहाँ एक कमरे में रखे गए 16 कार्टून अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई। हालांकि मकान बंद रहने के कारण कारोबारी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका और पुलिस की हरकत पाते ही कारोबारी फरार हो गए। फिर भी बाढ़ पुलिस मुन्ना राम नामक एक व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाकर मामला दर्ज कर लिया है। शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। शराब माफिया पर पुलिसिया कार्रवाई के मद्देनजर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ बड़ी मछली भी पुलिस की जाल में फंस सकती है। बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ सर, बीती रात शराब बरामद हुई बाढ़ थाना में, कैसे बरामद हुई, कहां से हुई? बीती रात हम लोगों को सूचना मिला था कि बनारसे घाट कंटाही टोला में मुन्ना राम का निर्मित मकान है जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब रखा हुआ है। इस सूचना पर हम लोग जो है कि हम और हमारे साथ सहनी मुन्ना कुमार ठीक है, हम लोग वहां पर गए और जा कर के सशस्त्र बल के साथ छापेमारी किए तो देखे कि अर्धनिर्मित मकान के कमरा में 16 कार्टून में लगभग 137 लीटर विदेशी शराब पाया गया, जिसमें मैकडोनाल्ड कंपनी का और इंपीरियल ब्लू कंपनी का था। सबकी बरामदगी हो गई? हाँ, बरामदगी हो गई है और इसमें कांड भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, छापेमारी चल रही है। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध कुमार। किस पद पर? पुवानी अनिरुद्ध कुमार, सब इंस्पेक्टर।